मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि क्या लोकतंत्र यही है? क्या आज एक अपराधी सदन के अंदर और दूसरी ओर बेटियों पे जो उनके आदेश के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने किया है, क्या बेटियों के अपराधी बीजेपी सांसद की मौजूदगी लोकसभा के अंदर, नए लोकसभा के अंदर, क्या यही मोदी जी का न्यू इंडिया है? न्यू इंडिया के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। देश की जनता, देश की महिलाएं, देश की बेटियों के लिए, देश की बेटियां जो हैं अब बहुत जल्द एक होने वाले हैं। और आज मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूं कि देश के कोने कोने में जिन बेटियों ने ये देखा है, जिन माओं ने ये देखा है, वो कतई चुप नहीं बैठेगी। और यहीं से इन लोगों की, इस भाजपा सरकार की जो तानाशाही का अंत होने के जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं। ये देखिए, बेटी के साथ साथ देश के झंडे का अपमान, भारत के तिरंगे का अपमान है ये, भारत के तिरंगे का अपमान। भारत की बेटियों के साथ साथ देश की एक भी बेटी सहन नहीं करेगी। मोदी जी, मोदी सरकार, मैं इस माध्यम, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के कोने कोने में बैठे हुए बेटियां हैं, माताएं हैं, और देश की जनता से कहना चाहती हूं, आज अगर ये बेटियां जो एक वक्त पे जिनके लिए इसी प्रधानमंत्री जी ने रेड कार्पेट वेलकम किया, आज अगर उनके साथ ये हो सकता है तो आम बेटी के साथ क्या हो सकता है? उठो, जागो, यह वक्त आ गया है। भगवान न करे कल ये हम में से किसी की बेटी हो या हम में से कोई हो, अब वक्त है एक होने का।